नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो सेकंड पार्ट होने वाला है मेरी उस वीडियो का जो कि मैंने बनाई थी अभी, स्लीपर वंदे भारत का जो इंटीरियर रिवील हुआ है उसके ऊपर। आपने बहुत प्यार दिखाया उस वीडियो को और आखिरकार जो उसमें कहा गया था वो सब कुछ सच साबित हुआ और यही कारण है कि वो वीडियो आज इतना अच्छा भी कर रही है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के कई सारे सवाल जो उस वीडियो में आए थे उनके जवाब मिलने वाले हैं। तो आपको पहले ही बता देता हूं कि इन चार सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं जो कि आपको भी जरूर ही जानने होंगे, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखना। पहला सवाल आपका, क्या ये जो फोटोज सामने आई हैं ये पहले आ रही फोटोज़ की तरह ही फेक है या नहीं, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। दूसरा सवाल आपका, कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि इसको बनाने वाली है, क्योंकि दौड़ में तो कई सारी कंपनियां हैं, अब उनमें से किसने ये पहले डिजाइन कर ली है प्रोटोटाइप की 3D में और एनिमेशन भी, तो वो कौन सी कंपनी है वो आपको बताऊंगा। और तीसरा सवाल आपका कि इसमें किराया कितना होगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसका किराया इतना होगा कि हम लोग तो बैठ ही नहीं पाएंगे, हम लोगों की तो बिल्कुल ही रीच से बाहर होगा, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है किराए को लेकर के। और चौथा सवाल, अदर बीडर्स का क्या, जिन्होंने बिड करी थी इस प्रोजेक्ट के लिए 200 वंदे भारत के लिए, उन्हीं की बात मैं इसमें आपसे करूंगा कि उनके साथ क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल अश्विनी वैष्णव सर ने एक 9 सेकंड का वीडियो शेयर करके एकदम हाइप कर दिया इस ट्रेन को बहुत ज्यादा, और आग की तरह फैल गई है पूरे सोशल मीडिया पे और बड़े बड़े न्यूज हाउसेस पे फोटोज, क्योंकि अब ये कंफर्म हो चुकी थी हमारे रेलवे मंत्री जी के द्वारा। इस 9 सेकंड की वीडियो में काफी कुछ देखने को मिला, ट्रेन कैसी लगेगी एक्सटीरियर से फ्रंट से देखने को मिला, साथ में ही इंटीरियर तो हम इसका देख ही चुके थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका आपका पहला क्वेश्चन ये था कि ये फेक है कि नहीं, तो वो तो आपका आंसर मिल चुका है, ये बिल्कुल फेक नहीं है पहले की तरह। अब यहाँ पर जो तस्वीरें आई हैं वो पूरी तरीके से फाइनल तस्वीरें थी। सेकंड क्वेश्चन का जवाब कि ये ट्रेन कौन सी कंपनी बनाने जा रही है, तो दोस्तों आखिरकार जो मैं अंदाजा लगा रहा था वो सच हो गया है। ICF और BEML जो कि अलग से अपनी खुद की 10 वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर बनाने वाली हैं, उन्होंने ही ये पहला प्रोटोटाइप मॉडल का जो एनिमेटेड डिजाइन है, एनिमेशन वीडियो है, बनाया है, जिसमें BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो कि रेलवे के लिए पहले से ही मेट्रो कोचेस और दूसरी रेलवे टेक्नोलॉजीज देती आई है रेलवे को, वही कंपनी है जिसने ये डिजाइन तैयार किया है। और बहुत ज्यादा खुश हूं मैं इसके लिए कि एक PSU BEML इतना अच्छा डिजाइन बना पाया है। बात अभी ये भी निकल के आई है कि BEML ने ICF के सुपरविजन में ICF की कंसल्टेंसी लेकर के इस पूरे डिजाइन को तैयार किया है, और अब यह भी कहा जा रहा है कि 2023 के अंत तक या फिर जनवरी 2024 में इसका पहला प्रोटोटाइप फैक्ट्री में तैयार हो जाएगा। अभी फैक्ट्री BEML की होगी कि ICF की अभी क्लियरली तो नहीं पता, लेकिन हाँ कहा जा रहा है कि ICF अगर इसमें है तो ICF फैक्ट्री से ही ये ट्रेन सामने आएगी पहली बार, और यहाँ पर 2024 मार्च महीने में इसका पहला ट्रायल हो सकता है, क्योंकि ये सामने आएगी तो इसका ट्रायल तो लिया ही जाएगा। इसकी स्पीड 160 km/h, वही वंदे भारत की जो स्पीड है वही होने वाली है, और 180-200 km/h तक का मैक्सिमम इसका स्पीड पोटेंशियल रहेगा। और एक बात आपको और बता दूं, इसके अंदर 857 बर्थ होने वाली है, 34 बर्थ स्टाफ के लिए होगी, 823 बर्थ लोगों के लिए होगी, और 16 कोच की ट्रेन होगी, ये बात भी पक्की हो गई है। और एक क्वेश्चन और था, लोग बोल रहे थे कि मिनी पेंट्री हर कोच में अवेलेबल हो ही नहीं सकती है, मुश्किल है, लेकिन ऐसा होने जा रहा है, ये बात रियल है। अभी तक जो हमारे कोचेस में 4 टॉयलेट हुआ करते थे, उन 4 टॉयलेट या वॉशरूम को अब 3 कर दिया जाएगा, जिसकी जगह एक जो जगह बचेगी वहां पर इस तरीके की पेंट्री का अरेंजमेंट किया जाएगा। ये एक मिनी पेंट्री होगी जो कि एक कोच के लिए एक ही होगी, और डेडिकेटेड पेंट्री होने की वजह से आपको कई सारे चीजें अच्छे से अवेलेबल हो जाएंगी, आप ही की कोच की सर्विस होगी तो आप ही की कोच को मिलेगी वो सर्विस, अच्छी मिलेगी, पारदर्शिता होगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं अपने ही कोच में कि कैसे क्या दिया जा रहा है, जिससे कि आप लोगों को भी डाउट नहीं रहेगा कि कोई भी दिक्कत है कि नहीं। जैसे कि वंदे भारत में जो खाना बाहर से आ रहा है, अंदर कई बार देखने को मिल रहा था कि खाने में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो आप लोग फिर एक पेंट्री होने की वजह से वहां पर अपनी प्रॉब्लम जल्दी से दर्ज नहीं करा पाते थे। आपको अगर खुद की डेडिकेटेड पेंट्री मिल जाएगी तो आप लोगों को कोई भी खाने में दिक्कत आती है तो फटाफट उससे संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन या कमेंट जो सबसे ज्यादा मेरे को उस वीडियो में देखने को मिला वो था किराए को लेकर के, जिसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं कि इस ट्रेन का जो किराया होने वाला है वो बहुत ज्यादा होगा, इंटीरियर क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है देखने में। तो मुझे जो लगता है दोस्तों, अपनी तरफ से मैं बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस मेरा वंदे भारत ट्रेन आने से पहले का रहा है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत हाइप हुई थी इस ट्रेन की, जब वंदे भारत सीटिंग अरेंजमेंट वाली ट्रेन आई भी नहीं थी तो लगता था कि इसका किराया कितना ज्यादा होगा, लेकिन जब वो ट्रेन आई तो उसका किराया शताब्दी के नजदीक ही रखा गया, और कहीं जगहों पर शताब्दी इससे ज्यादा महंगी भी है, और कहीं जगहों पर वंदे भारत शताब्दी से थोड़ी सी 19-20 महंगी दिखती है। ऐसा नहीं है कि ये वाली ट्रेन भी अगर आएगी इसका किराया
ड्रॉबैक काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि रेलवे का फिर नहीं तो ये सपना जो है इन ट्रेनों को कामयाब करने का वो मुझे नहीं लगता फिर पूरा होगा, क्योंकि फिर राजधानी ट्रेन जो सबसे ज्यादा महंगी इस टाइम पर है, अगर उनके ही रूट पर इस तरह की ट्रेनें इंट्रोड्यूस करी जाएंगी लॉन्ग डिस्टेंस पर, तो उनके जितना किराया ही रहने वाला है जहां तक मुझे लगता है, 19-20 का फर्क रहेगा। और अफोर्डेबल ये ट्रेन होंगी उन लोगों के लिए जो लोग अभी राजधानी ट्रेन में सफर करते हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी इस तरह की ट्रेन को अफोर्ड कर सकते हैं। यही कारण है कई सारी वंदे भारत एक्सप्रेस अभी भी आप देख सकते हैं कि फुल चल रही है, और केरला में तो आप 200 ऑक्यूपेसी लेवल भी देख पा रहे होंगे वंदे भारत एक्सप्रेस का। और अगला क्वेश्चन इस बारे में आया है कि जो और बीडर्स हैं इसके अलावा ICF और BEML के अलावा उनके साथ क्या हो रहा है दोस्तों, क्योंकि उनके बारे में जानना जरूरी है। देखिए 200 न्यू स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें ICF और BEML ने अपने आप से ही 10 वंदे स्लीपर बनाने का फैसला लिया था, वो अलग है, उसमें इसका कोई हाथ नहीं है। तो 200 वंदे भारत में 80 वंदे भारत BHEL और टीटागढ़ वैगन लिमिटेड, जिसको हम अब टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कहते हैं TRSL, तो उनको 80 वंदे भारत बनानी है, और उसके साथ में ही 120 वंदे भारत जो कि पहला बिडर था RVNL जो कि रेलवे की सब्सिडरी है, प्लस उन्होंने कंसोर्शियम कर रखा है TMH की मेट्रो वैगन मैच MWM कंपनी के साथ में, और इसमें रशिया की LESB भागीदार है, और इन तीनों ने मिलकर के RVNL, LES और MWM ने काइनेट रेलवे सॉल्यूशन कंपनी बनाई है, जिसके अंदर 25% शेयर RVNL का है, 70% TMH की MWM का है, और LES का 5% है। इनकी तरफ से अभी कोई भी टिप्पणी नहीं आई है इस प्रोटोटाइप मॉडल के ऊपर। अब इनके बारे में मैं क्या बताना चाहता हूं, देखिए कुछ वक्त पहले RVNL के एक ऑफिशियल ने इंटरव्यू में कहा था जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, उस वक्त तक साइन नहीं हुआ था लेकिन अब हो चुका है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, उसके 2 साल बाद या फिर 2 साल के अंदर हम लोगों को पहला प्रोटोटाइप देखने को मिलेगा। इसका मतलब 2023 के सितंबर में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो 2024 के एंड में या 2025 की शुरुआत में या मार्च में आप लोगों को ये पहला प्रोटोटाइप देखने को मिल सकता है, जहां तक मुझे लगता है। इनको रेल कोच फैक्ट्री लातूर में बनाया जाएगा ऐसा कहा जाता है। दूसरा BHEL और TRSL की तरफ से क्या कहा गया है, देखिए उनकी तरफ से अभी भी कोई टिप्पणी नहीं आई है। हाँ ये बात पक्की है कि वो वंदे भारत स्लीपर बनाने वाले हैं, और उनका डिजाइन क्या होगा अभी इसका कोई वीडियो सामने नहीं आया है। तो ये मान सकते हैं कि सबसे पहले तो ICF और BEML लेके आने वाला है, उसके बाद BHEL की वंदे भारत हमको देखने को मिल सकती है TRSL के साथ में, और उसके बाद फिर हमको RVNL की वंदे भारत देखने को मिल पाएगी TMH के साथ कंसोर्टियम जो उनका है। तो कुछ इस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस आएंगी। एक आखिरी बीडर और है जिनकी बातें आप लोग करते हैं, वह Alstom है। मैंने एक वीडियो में सब कुछ बता दिया है कि Alstom क्या कर रही है और दूसरी कंपनियां क्या कर रही हैं, जिसमें Alstom के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेके बैठी हुई है, क्योंकि इसी के पास है हमारी फ्यूचरिस्टिक वंदे भारत एल्यूमिनियम का ऑर्डर, और यही है जो बनाएगी हमारे देश की पहली एल्यूमिनियम वंदे भारत या फिर एल्यूमिनियम ट्रेन, और ये ट्रेन बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होगी और इसको हम कहेंगे 3rd generation वंदे भारत एक्सप्रेस। और अगर इसके बारे में आप अभी तक नहीं जानते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप मेरी पहले ये वाली वीडियो देखिए, 3rd generation वंदे भारत एक्सप्रेस क्या होने जा रही है, क्या होगा इनके अंदर खास, वो आप इसके अंदर जान पाएंगे। साथ में आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, इसके अंदर सारा खुलासा मैंने किया है कि और सारे बीडर्स वगैरह जो हैं वो किस तरीके से कैसे क्या कर रहे हैं और उनको कितने 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है। अभी वीडियो आपको देखने को कहां मिलेंगी, देखिए इस वीडियो के पहले कमेंट सेक्शन में मैंने पिंट करा हुआ है अपना कमेंट, उसमें आपको मिल जाएंगे, और साथ में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो मिल जाएंगे। अब इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि डिजाइन जो BEML ने बनाया ना दोस्तों ICF के सुपरविजन में, ये डिजाइन कैसा है, इस डिजाइन के अंदर आप देख पा रहे होंगे ये कुछ ज्यादा ही टिल्टेड दिख रहा है पहले से। पहले की ट्रेन थोड़ी सी कर्वी हो जाती थी आगे से, ये बहुत ज्यादा शार्प है, साइड से देखने पर कितना टिल्टेड दिख रहा है, जो कि रेल फैंस चाहते भी थे। और साथ में ही इसकी जो एक्सटीरियर की डिजाइन है ओवरऑल देखने में अभी तक जो इसका एनिमेशन दिखता है काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है, रशियन ट्रेन की तरह लगती है और बहुत ज्यादा सुंदर भी लग रही है। अगर BEML ने ये डिजाइन कर दिया है तो उसका मतलब और कंपनियों से तो और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। BHEL, TRSL और RVNL, TMH काफी ज्यादा अच्छे डिजाइन ला सकते हैं, क्योंकि अब उनके लिए कंपटीशन बढ़ा दिया है ICF और BEML ने। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके से अभी चल रहा है। अब साथ में आप लोगों को और बता देता हूं कि हमारे वंदे भारत के जनक सुधांशु माने जी की तरफ से कुछ ट्वीट भी अगर देखे जाए तो उसमें ये भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ये खबर भी है कि अगर इस ICF और BEML की वंदे भारत में 857 सीटें हैं तो एक खबर ये भी चल रही है कि TMH RVNL की वंदे भारत में हो सकता है कि 887 टोटल सीटें हों। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर शायद से लेंथ का फर्क हो सकता है कोचेस में, क्योंकि अगर 30 सीटें ज्यादा दिखाई दे रही
नहीं है तो लेंथ में फर्क हो सकता है, एक कोच ज्यादा नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। तो 16 कोच के आसपास ही ये वंदे भारत भी होने वाली है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सवालों को लेकर अगली वीडियो बनाने की। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।